क्या है दिल्ली का वेदर अपडेट और कैसी है हवा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मधिया खान। दिल्ली में तकरीबन एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड के साथ साथ कोहरा भी भरपूर छाया हुआ है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पहले दिल्ली की किस तरह से आज की सुबह है दिल्ली की। पिछले दिनों देखा गया कि कोहरा बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज की सुबह लग रहा है कि विजिबिलिटी जो है काफ़ी बेहतर है और कोहरा कुछ हद तक कम है। अक्षरधाम मंदिर के पास हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की भी तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं। बीते दिनों देखा गया अक्षरधाम मंदिर जो है किस तरह से सफ़ेद धुंध में, कोहरे में छाया हुआ था, पूरी तरह से ढका हुआ था पूरी तरह से, लेकिन आज देखा जा रहा है कि कुछ हद तक जो विजिबिलिटी है वो बेहतर है और कोहरा भी कुछ कम है। हालांकि अगर तापमान की बात करें तो मौसम जानकारों का कहना है कि जो तापमान है वो 5 से 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान आज रहने वाला है, तो वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 से 20 डिग्री के आसपास ये अधिकतम तापमान रहेगा। अगर बात करें कड़ाके की ठंड पिछले एक हफ्ते से लगातार दिल्ली में पड़ रही है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से बीते दिनों विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई थी। और अगर साथ साथ AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। देखा गया है पिछले दिनों जब बारिश हुई उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, महज 80 के आसपास जो प्रदूषण यानी कि AQI स्तर था वो पहुंच गया था, लेकिन आज आप देखिए किस तरह से वापस से 250 से ज़्यादा, 260 से ज़्यादा इस वक्त जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का वो है। तो आप सोचिए कि एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ प्रदूषण, दोनों ही तरफ से दिल्ली वाले इस वक्त जो है वो एक मार झेल रहे हैं। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, हालांकि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार कई महीनों से ऐसे ही जारी है। प्रदूषण में कोई कमी दिल्ली में फिलहाल काफ़ी वक्त से देखी नहीं गई है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली। तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में आज थोड़ी ठंड से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक बना हुआ है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।